बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया, जिसके तहत आत्मनिर्भर अभियान के लिए भारी भरकम बजट भी जारी कर दिया गया। लेकिन जमीन पर उतरने से पहले इस अभियान को सरकारी कर्मी पलीता लगाने पर तुले हुए हैं, जहां पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के खातों में लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया की भी जरूरत नहीं समझते। इस योजना से जुड़ी कुछ ऐसी ही भयावह तस्वीर गोंडा जिले से सामने आई है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए लॉन्च की गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि योजना की जमीनी हकीकत को देखकर आपके हाथ पैर फूल जाएंगे। इस योजना का लाभ पाने के लिए एक निर्धन महिला साइकिल से अपने मासूम बच्चे को ले 1.5 महीने तक बैंक का चक्कर काटती रही, लेकिन रिश्वत ना दे पाने पर बैंक मैनेजर ने उसे योजना का लाभ नहीं दिया। मामला गोंडा जिले के नगरीय क्षेत्र का है, जहां जानकी नगर की रहने वाली रीता ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का लोन पाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित इंडियन बैंक में अप्लाई किया था और उसकी सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी बैंक मैनेजर 1.5 महीने तक महिला को दौड़ाते रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बैंक मैनेजर ने उसे लोन नहीं दिया। महिला का आरोप है कि उसके पास इसके लिए चढ़ावा चढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, जिसके लिए उसे योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सारी हदें तो तब पार हो गई जब एक असहाय महिला भूखी प्यासी अपने मासूम बच्चे को लेकर महज 10,000 के लोन के लिए दौड़ती रही, लेकिन रिश्वतखोर बैंक मैनेजर का दिल नहीं पसीजा। महज एक हफ्ते में लोन डिसबर्स करने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, भूख प्यास से मासूम और उसकी माँ सड़क पर पड़े मूली के पत्ते खाने के लिए मजबूर है, लेकिन गरीबों को सुनने वाला कोई। आत्मनिर्भर योजना के लिए स्तर से क्या किस तरीके से लोन देने का प्रावधान है और किन किन लोगों को वो दिया जा रहा है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि करके एक योजना जो चलाई गई है, पीएम स्वनिधि से कहा जा रहा है। इसके अंतर्गत पहली बार में करीब 10,000 रुपये का लोन सभी स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाना है, जो भी लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं और उनका कामकाज प्रभावित हुआ है। बैंकों की मनमानी की सर, एक महिला लगभग 1.5 महीने से लगातार बैंकों में जा रही है, वो महज 10,000 रुपये के लोन के लिए कुछ ना कुछ बहाना देकर जो है 1.5 महीने से एक महिला को जो है दौड़ाया जा रहा है। अगर इस तरह का कोई केस है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और आप इनकी अगर डिटेल मुझे दे देंगे तो मैं तत्काल इस पर कार्रवाई करके दिखवाता हूँ कि पहला तो इनका लोन डिसबर्स हो जाए और दूसरा कि अगर यदि इनके पास होने के बावजूद किसी ने इनका काम रोक रखा है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी तत्काल होनी चाहिए। इसके अलावा एक सामान्य निर्देश भी जारी किया जाएगा कि इस प्रकार का अगर यदि किसी ने फॉर्मेलिटी अपनी पूरी कर दी है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसका लोन डिसबर्स करें। सर, अमूमन कितना समय लगता है एक जो है लोन पास होने में, जो कि सब सही है? एक हफ्ते से अधिक का समय नहीं लग रहा है, एक हफ्ते में ये लोन हो जा रहा है, क्योंकि बहुत छोटा लोन है, बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्मेलिटीज नहीं रखी गई है। ये कहाँ कहीं दौड़ रही हैं, कब से दौड़ रही हैं, किस चीज़ के लिए दौड़ रही हैं? लोन के लिए दौड़ रही हूँ, 10,000 के लिए जो निकला था, सोचती थी कि कमा लेंगे कुछ, हमारे बाल बच्चे खाएंगे, भूखे प्यासे हम लोग मरते हैं और कुछ हमको लाभ नहीं मिलता है सरकार। कब से दौड़ रही हैं आप? 1.5 महीने से। ये 1.5 महीने से किस इसी साइकिल से? साइकिल से पैदल भी दौड़ती हूँ और कोई लाभ हमको नहीं मिलता। ये बच्चे को भी लेके साथ में आप चल रही हैं? हाँ, बच्चे को भी लेकर चलती हूँ। क्यों, क्या वजह है? इसलिए चलती हूँ कि 10,000 मिल जाएगा जो सरकार ने नियम निकाला था, तो वो भी नहीं मिला। जब ही जाओ बैंक तब कहते हैं कि तो बंद है, नेटवर्क नहीं है, इसलिए हम 1.5 महीने से चक्कर लगाते हैं। एक महिला होकर और एक मासूम बच्चे को लेकर आप जाती हैं, किसी का दिल नहीं पसीजता है कि आप कितनी मुश्किल से आई होंगी? किसी का दिल नहीं पसीजता। क्या है, आपको अब तक कोई सरकारी लाभ मिला? जी कुछ नहीं मिला, सिर्फ राशन के सिवा और कोई लाभ नहीं, ना हमारे खेत है और ना घर है, तो वो भी टूटा फूटा है, और चिंटू पाड़े प्रधान है, वो भी कुछ देते नहीं। शौचालय वगैरह आपको? शौचालय भी नहीं और ना खेती बाड़ी। वो राशन से पूरा हो जाता है जो मिलता है? नहीं पूरा होता है, 5 जन का है तो 4 जन का मिलता है 16 किलो, पूरा नहीं होता। और हम लोग गरीब हैं, भूखे प्यासे भी मरना पड़ता है और सरकार का कोई लाभ आज तक नहीं है। क्या उम्मीद लेके चलते हैं कि इस गरीब की भी कोई सुनवाई होगी, लेकिन क्या होती है? सुनवाई होती तो ऐसा क्यों हो, सुनवाई कुछ भी नहीं। हाँ जी, सबके पास जा जा कर मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनवाई नहीं है। क्या करेंगे अगर इसी तरीके से आपकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? तालाब में डूब मरेंगे बच्चे को लेकर, और क्या।
क्यों डूब मरेंगे? अब खाने पीने का कुछ मिलेगी मिलेगा नहीं, और खाना पीना खेती बाड़ी कुछ है नहीं, और जो भी रहा तो वो भी लॉकडाउन करके सरकार ने तब ले लिया। अब आओ के पास क्या बचा होगा? जी आए थे कि फिट करा देंगे, पैसा हमको मिल जाएगा, कुछ कमा लेंगे, तो कुछ ही मिला नहीं। पत्ता खा रही थी और क्यों खा रही थी? जी मूरी का पत्ता खा रही थी, वो भी पड़ा हुआ था भूखे के मारे। क्यों उस पत्ते को क्यों खा रही थी? जी भूखे थे इसलिए खा रहे थे। घर पे खाना नहीं था जी? है ही नहीं तो क्या खाए।